फ्रेंड्स स्वागत है आप लोगों का साइंस कोचिंग सेंटर में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 और ये चैप्टर जो है ट्रिकोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है और टेस्ट बुक का है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो काफी इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ। ये तीन फॉर्मूला बहुत यूजफुल होते हैं त्रिकोणमिति में, तो इसको भी आप लोग को याद होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका दिया गया है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, यानी इसको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ हम यहाँ आर एच एस से सिद्ध करते हैं इसको, यानी राइट हैंड साइड। तो आर एच एस में दिया है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे वन माइनस कॉस थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, और इसका हम लोग करेंगे क्या हर प्रमेयीकरण, यानी यहाँ आपका प्लस होगा तो ऊपर में दोनों साइड माइनस माइनस होगा वन माइनस कॉस थीटा और बटा में हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। और एक बात भी है, आप लोग भी देख लीजिए यहाँ, यहाँ अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी भी बोल सकते हैं, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर होगा तो ए माइनस बी और इंटू ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। ये भी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ आपका दिया गया है, सबसे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा और इंटू वन माइनस कॉस थीटा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस कंडीशन में आ गया है ये ए माइनस बी ए माइनस बी, ये वाले हो जाएगा अब आपका वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, यानी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला का भी वीडियो एक बन गया है, आप लोग भी उसको देख सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा आपका, अब इसको इस कंडीशन में भी आप लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ दिया गया है वन माइनस कॉस थीटा और यहाँ दिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्यों ना इसको दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख दें यहाँ और इसको होल स्क्वायर कर दें, क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा है जिसे यहाँ दिया गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा और माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा और कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, और ये भी हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसका आ जाएगा इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया वृद्ध। तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको भी सिद्ध करना है, जैसे आप लोग देख सकते हैं एल एच एस लीजिए यहाँ, सेम हर प्रमेयीकरण होगा इसमें भी वन प्लस साइन ए और बटा
1 minus sin a. यहां हो जाएगा वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस साइन ए, और यहां हो जाएगा इसके विपरीत होगा वन प्लस साइन ए बटा वन माइनस सॉरी वन प्लस साइन ए। फिर फॉर्मूला का यूज होने वाला है, यहां देख सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए, दो बार लिख सकते हैं आप इसको, और वन प्लस साइन ए। इसका होता है वन प्लस साइन ए और इंटू वन प्लस साइन ए, और वन माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम लिखिए वन प्लस साइन ए और इंटू वन प्लस साइन ए, और इसका होता है वन माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा वन प्लस साइन ए और इंटू वन प्लस साइन ए, और यहाँ जो दिया गया है आपका कॉस स्क्वायर ए, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए। अब वर्गमूल में जोड़ लगा के बाहर निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए और बटा हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि दो था तो एक बाहर निकल गया, वर्गमूल इसका हो गया। अब ये हो जाएगा आपका वन वन अपॉन कॉस ए और प्लस साइन ए बटा कॉस ए, इसको अलग अलग पार्ट में लिख दिया गया। तो वन अपॉन कॉस का होता है सेक ए और प्लस में होता है इसका साइन बाई कॉस का होता है टेन ए, तो ये हो गया सीधे।